और झारखंड आंदोलनकारी आजसू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह लोहरदगा के पूर्व विधायक 55 वर्षीय कमल किशोर भगत का पार्थिव शरीर 18 दिसंबर को पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके पैतृक गांव कुंडू प्रखंड के जिंगे स्थित चंपा बांध स्थित मसना में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दफनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके चहेते नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे। अंतिम विदाई देने के लिए पक्ष और विपक्ष सभी नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जिंदी घाट पे मौजूद थे। नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं का रो रो कर बुरा हाल था। जब तक सूरज चांद रहेगा कमल किशोर का नाम रहेगा। कमल किशोर भगत अमर रहे कि जय घोष से पूरा इलाका गूंजता रहा। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, प्रवक्ता देवशरण भगत, चंदन क्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक और जुगसलाई विधायक सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे और उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कमल किशोर भगत का निधन 17 दिसंबर को उनके लोहरदगा के हरमू स्थित आवास में हो गया था। पकड़ लीजिएगा लीजिए। देखो ये हमारा मेरी पार्टी का एक व्यक्तिगत क्षति है, क्षेत्र का व्यक्तिगत क्षति, इस राज्य का क्षति। हमने अपने संघर्ष के समय का साथी खो दिया। इस राज्य की उम्मीद और इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भरोसा है आज टूट चुका है। ये बड़ा कठिन होगा और बड़ा कठिन समय होगा जब इतने लोगों की भावना को समेटने का एक बड़ा काम और जिम्मेदारी होगा। इनके साथ इनके जुड़ी हुई सारी यादें हमेशा हमारे बीच में कोलाहल करती रहेंगी। देखो ये हमारा सब